ऑलराइट, सो ही गाइस, वेलकम बैक इन अनदर न्यू फ्रेश व्लॉग। जैसा कि आज ईद है, सबको सबसे पहले ईद मुबारक। नमाज मैंने सुबह कंप्लीट करा, आराम से मैं घर आ गया एंड मैंने देखा कमेंट सेक्शन में ऊपर ऐसे टिंग नोटिफिकेशन आ रही है। मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। मैंने गलती से AM की जगह PM रखना था, वो AM हो गया था, वीडियो उस पर अपलोड हो गया था। मैंने फिर वो डिलीट कर दिया, अब शाम को नए से अपलोड कर दिया। और अपलोडिंग में इतना टाइम लेता है ना, समझ नहीं आता है। फिलहाल अभी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, फिलहाल मैं निकल चुका हूँ बाहर। मेरा भैया और उसके फ्रेंड कर रहे हैं बाहर वेट, फाइज भैया भी है, इमाद भी है। फिलहाल जाएंगे हम कहीं, मज़े करेंगे। दिन भर हो गया घर में, और शाम का टाइम आ गया, थोड़ी देर बाहर घूमेंगे। बाय द वे, हियर इज फाइज भैया, हियर इज उदय भैया, हियर इज बशारत भाई। मशर बोल अस्सलाम से वालेकुम सलाम। ये मेरा भैया, फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं डल गेट की तरफ। यहाँ से हमें निकलना है, ट्रैफिक जैम ही ट्रैफिक जैम। By the way, look at the traffic. फिलहाल अभी हम रुके हैं मकाई पार्क के पास, यहाँ पर थोड़ा सा चिल करेंगे। Look at the scene कैसा है, बहुत ट्रैफिक जैम है यहाँ पर, बहुत बहुत। जहाँ भी आना पड़ता है मेरे को, इस चीज़ का प्रॉब्लम पड़ जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। सो गुड, सही में ना ये मेरे को सीन हर वक्त होता रहता है, लेकिन अब दिखाना पड़ेगा क्या क्या होता है। ये हर किसी को होता है, मुझे नहीं। बाकी ट्रैफिक जैम आज पूरा, मेरे को लग रहा है पूरा ईद मनाने ना इसी रोड पे आया है, इतना ट्रैफिक जैम है। 42 मिनट्स लग गए हमें डल गेट से यहाँ तक आने में, अभी पूरा नहीं हुआ है। पहले हम वहीं पर रुके, अच्छे थोड़ा कुछ खाएंगे। बाय द वे, यहाँ पे चल रहे हैं हमारे CK, वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर करना पड़ेगा। ये देखो कैसे दिख रहा है इसको, हाँ मजा 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 वाला है, इनको देखने में अलग मजा है, खाने में जबरदस्त। और क्या, लुक, पंगा तेरे साथ क्यों इतना लगा है? कौन सा पंगा? ये मास्क हर वक्त टाइम, इतना कमजोरी क्यों आ गई तेरे को? फूलन का नहीं है इसको, पता है इसका क्या सीन है? ये खाता पीता कुछ नहीं है, जाके इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इसको डाइट बोलो, कुछ खाने के लिए हट्टा कट्टा बन जाता है। वैसे मैं भी कमजोर हो गया हूँ, रमजान में चलता है। तो गाइस फाइनली CK लग चुकी है यहाँ पे, अरे इसको खाते हैं फिर मिलते हैं। फिलहाल हो चुका है हमारा डन, अब हम यहाँ से फोटो थोड़ी क्लिक करते हैं। सिंपल फोटो चल मैं उठाता हूँ। फिलहाल फोटो भी कर ले हमने क्लिक, अब निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। जगह छोड़ो जगह, पहले तुम चलियो, तुम चलियो पहले। मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, खुल ही नहीं रहा है, तो डाटा कैसे डालूं मैं? डाटा हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट डाल। चलिए यहाँ पे हमें 15 मिनट हो गए, टोटली खतरनाक ट्रैफिक जाम देखो पीछे से, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। बाय द वे लोकेशन देखो, गुड मॉर्निंग। अभी बज के सुबह के 9 और आराम से मैं उठ गया, कल हम लेट आ गए वहाँ से, बहुत ट्रैफिक जाम, उसकी वजह से ना फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा। वहाँ से आ गया सीधे, मैंने खाना खाया और मैं सो गया। तो फिलहाल आज दूसरा दिन ईद का, अब ईद का कुछ फ़ायदा नहीं है, तब से मैं स्टिल वेट कर रहा कि थोड़ी बारिश रुके कि मैं आगे निकलूँगा, कहीं पर हम जाएंगे ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। थोड़ी बीच में रुक गई, मेरे को लगा कल की तरह रुक जाएगी, फिर गिरेगी नहीं, लेकिन अब और गिरने लगी है। तो गाइस आज है तीसरी ईद,
लास्ट की ईद है आज। वैसे वो कल ही ख़त्म हो चुकी थी, कल टोटली मैंने कुछ नहीं करा, मैं खाली घर में बैठा था, पूरा दिन बारिश गिर रही थी, उसी की वजह से ना वो अजीब सा दिन निकल गया। मैं सो रहा था, सोते सोते रात भी चली गई, दिन भी चला गया, पता नहीं चला टोटली। आज तीसरा दिन है, टोटली वो वाइब नहीं आ रही है ना कि ईद होनी चाहिए, थोड़ा सा ईद में कुछ होना चाहिए ना स्टोमक में, इधर उधर कुछ लगना चाहिए, ईद होनी चाहिए, बस नॉर्मल से दिन निकल रहे हैं, पता नहीं। फिलहाल निकलते हैं स्कूटी पे, क्योंकि मैं ननिहाल आ गया स्कूटी को निकालने के लिए। Oh my God, जितना कल सोचा था ना उससे ज़्यादा आज ट्रैफिक जैम है, लेकिन धूप सही है, इस बातों का कुछ सेंस ही नहीं है वहाँ का। सब जिस टाइम पे धूप होनी चाहिए थी उस टाइम पे बारिश थी, जिस टाइम पे धूप नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे धूप है। यार क्या कुछ खुशी के टाइम हर वक्त कुछ ना कुछ पंगा साथ रहता है। पूरे ट्रैफिक जैम देखो। सो फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं अंकल जी के पास, बट अंकल जी खुला होना चाहिए वो इस चीज़ सही है। आज इतना ट्रैफिक जैम है ना सही में। हाँ ये अंकल जी खुला है, ट्रैफिक जैम आज भर भर के, इतना ट्रैफिक जैम है मैंने सोचा नहीं था। के छो ना कहीं वन बैटरी स्टैंड माउंट कुछ मैंने खतरा को इस बैंड बैंड मोशन चाहवा हेर कुन बोन कुन साइड फिलहाल लिया हमने यहाँ से एक माइक माउंट बहुत सारे चीज। किसका 1100 रुपये किस चीज का आ गया समझ नहीं आ रहा है। बाकी ये देखो इतना छोटा सा 1100 रुपये में, बाकी ये और एक हैंडल भी ले लिया इसके लिए। सही में इस अंकल के पास ना सब कुछ मिलता है, ये सही में मेरे को पहली बार लगा ना ये दिखा, जब मैंने इसका शॉप ढूंढा ना सही में मेरे को बहुत दिल खुश हो गया। इसके पास हर कुछ एक चीज़ मिलता है, खाली मेरे गोप्रो के लिए केस नहीं मिल गया। 4-5 दिन से ज़्यादा आज देखो रश क्या है, लुक एट दैट ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक है, इतना मैंने आज तक कभी नहीं देखा होगा जो तीसरी ईद को होता है। नहीं तो अक्सर ना तीसरी ईद में सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन आज देखो आज तीसरी ईद में पहली 2 ईद से ज़्यादा है। ये हो गया संगरमल जो कि आज तक कभी खुला नहीं। सो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा हम जूस पीते हैं। अंकल जी बनाओ, किसका बनाएं? इसका पाइनएप्पल का बनाओ दो, अभी बेनिफिट रहेगा यही चीज़ हम खाएंगे, क्योंकि बाकी सही नहीं लगेगा मेरे को। देखो पिंपल्स निकलेंगे, थोड़ी गर्मी की चीज़ें हमने खाई, बारबेक्यूज बीफ वाली, तो बस हालात ख़राब। में सही मज़ा है, अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है मेरे को पहले से, ठंडा ठंडा चिल्ड आइस डाल के, और इसमें चिनार की थोड़ा शेड बढ़ रही है ना, ठंडी हवाएं ज़बरदस्त। बाकी इस टाइम पे वे दना दन लोग घूम रहे हैं, मेरे को ना बचपन की फील आ रही है, मैं भी छोटा होता मैं भी हरी पेंट लाल शर्ट नीली कैप लगा के घूमता, मज़े मज़े। बैक टू होम, अबे सामान लाना जो लाया वो उधर पे ही रखा, ये छोटा सा सामान। अभी जब अपने घर में बैठ गया और मैं थोड़ा सा ये ठीक कर रहा था सामान सारा इसमें, बाकी ये मैंने निकाल दिया इसको जो बकवास था, बाकी यहाँ से एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई, ये पावर बैंक छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना है। फिलहाल इस वीडियो को रखते यहीं तक, आज कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल सी ईद निकल गई, 3 दिन आराम से, देखा क्या होता है। यार इस बार सही में टोटली मज़ा नहीं आ गया इस ईद में, पता नहीं कैसे निकल गई, रमजान भी टाइम नहीं निकला और ईद भी पटाख से निकल गई। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll